आपके घर के दीवार पे लगी हुई एक मामूली सी साधारण सी पेंटिंग आपके जीवन में एक असाधारण परिवर्तन लेके आ सकती है। ये परिवर्तन जो असाधारण कह रहा हूँ ना, ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो पेंटिंग है ये आपके मनस के साथ, आपके मन के साथ, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद किस तरह का कायम कर रही है। जी हाँ, वास्तु के अंदर विजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके आसपास का दृश्य कौन सा है, ये आपके स्वभाव में, आपकी रोज़मर्रा की जीवन शैली में परिवर्तन किस तरह का लेके आता है, इसको तो थेरेपिस्ट भी मानते हैं। तभी थेरेपिस्ट जो है ना विजुअलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वास्तु के जो 5 मुख्य अंग हैं ना, उनमें से विजुअलाइजेशन बहुत मुख्य अंग है, एक बहुत बड़ा घटक है। अगर आपने अपने घर का वास्तु जो है उसके बेसिक नॉर्म्स को फॉलो किया हुआ है ना, तो फिर जो आपकी दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग है ना, ये अब आपके जीवन का ऐसा टूल बन सकती है जो आपकी कई समस्याओं को एकदम से वॉश आउट कर सकता है। लेकिन अगर ये पेंटिंग्स गलत तरह की लगी हुई है ना, तो फिर समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। इसलिए ये जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी पेंटिंग आपके जीवन के कौन सी शैली को, आपके जीवन के कौन सी ज़रूरतों को कनेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि अपने घर के अंदर अपने ज़रूरतों के अनुसार, अपने टारगेट्स के अनुसार, या जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके अनुसार पेंटिंग किस तरह की लगाएं, कौन सी दिशा में लगाएं, ताकि आपके जीवन की जो स्पीड है, तरक्की की जो स्पीड है, वो और बढ़े और आपकी जो समस्याएं हैं और घटे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं खाली ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी दिशा में कौन सी पेंटिंग लगाई जाए, बल्कि आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, कौन सी पेंटिंग उसको अचीव करने में आपकी सहायता करने वाली है। 8 दिशाएं हैं, जिनमें से 4 मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और 4 ही उप दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये 4 और 4 मिलके 8 मुख्य दिशाएं बन जाती हैं। अब इसमें हर दिशा का आपके जीवन में अलग से एक दखल होता है, हर दिशा का अपना एक तत्व होता है, हर दिशा की अपनी फंक्शनैलिटी होती है। अब ईस्ट दिशा से अगर शुरू करें, तो ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा जो है ना, ये आपके जीवन को दिशा देती है। ये आपके जीवन में सरकार की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो बताती है। ये बाहर से आपको हेल्प कितनी मिलेगी, देखिए कोई इंसान अकेले में ग्रोथ ले ही नहीं सकता, उसको ग्रोथ लेने के लिए समाज से हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। आपको जो पता है वो बाज़ार में जाके उसको बेचेंगे, समाज उसके बदले में ही तो आपको रिकॉग्निशन और पैसे देगा। तो समाज के बिना तरक्की करना तो इम्पॉसिबल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये पूर्व दिशा से देखी जाती है। अब एक केस लीजिए कि कोई इंसान सरकार की तरफ से उसको नोटिसेज मिल रहे हैं, पेनल्टीज मिल रही हैं, या ईश्वर न करे कोई इंसान मुकदमों में घिरा हुआ है, उसको सरकार की तरफ से फेवर चाहिए, न्यायाधीश यानी जज की तरफ से फेवर चाहिए, तो उस केस में क्या कोई पेंटिंग या इस तरह का कोई दृश्य उसकी सहायता कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो उस केस में राइजिंग सन, सूर्य जो है ना, ये सौर मंडल का हेड होता है। इसी तरह से किसी भी जगह की सरकार जो होती है, जो हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल ही करती है, उसको भी सूर्य ही सिंबलाइज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई फेवर चाहिए, या इवन ये भी लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप जीवन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अच्छी सी दिखने वाली राइजिंग सन की सीनरी या पेंटिंग अपने घर के पूर्व में लगाइए। यहाँ पर मैंने अच्छी दिखने वाली को अंडरलाइन किया है, उसका कारण कि जो आंखों को अच्छी नहीं लग रही है ना, वो चाहे राइजिंग सन की भी सीनरी हो, वो अच्छे से आपके मन से संवाद कायम नहीं कर पाएगी। तो राइजिंग सन की सीनरी राइजिंग सन के समय यानी सूर्योदय के समय ही घर की ईस्ट दिशा में प्रॉपर, जहां पे 90 डिग्री ईस्ट लिखा आ रहा है ना, उस दीवार पे लगा दीजिए। फिर देखिएगा कि धीरे धीरे कैसा आपके जीवन का घटनाक्रम परिवर्तित होता है। इसके बाद सरकार से मिलने वाली जितनी भी पेन एरिया है ना, वो घटते जाएंगे, और आपको मिलने वाली प्रसिद्धि और इवन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और ये जो रिजल्ट है ना, ये केवल और केवल राइजिंग सन की सीनरी ही आपको दे सकती है। लेकिन ईस्ट दिशा में केवल इतना लिमिटेड सा ही महत्व नहीं है। सपोज करिए कि आपका कोई ऐसी सर्विसेज हैं, कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लोगों की सपोर्ट बड़ी चाहिए, आप पॉलिटिशियन हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो पब्लिक से जुड़ने वाला काम है, तो उस केसेस में क्या करिए कि आप एक राइजिंग सन की या एक बहुत अच्छे दोपहर वाले दिन की एक सीनरी लाइए,
जिसमें एक शहर, यहाँ पे पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ सड़कों पे लोग आ जा रहे हैं, पब्लिक की एक फ़ोटो, यानी एक पब्लिक जो अपने कामों में व्यस्त है लेकिन पूरी ब्रॉड डे लाइट में ऐसी कोई सीनरी बनवाइए, ढूंढिए, उसको घर के पूर्व में लगाइए। घर के पूर्व में ऐसी सीनरी लगाना समाज को आपके साथ जोड़ेगा। अब इसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन नोट करेंगे? अब लोगों से सपोर्ट मिलनी शुरू हो रही है, अब लोग जो हैं ये आपके काम आना शुरू हो रहे हैं और आपको इधर उधर से वो हेल्प के साधन बन रहे हैं जो आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर ज़रूर सुन लीजिए कि इससे पहले वास्तु के बाकी अंग बेयर मिनिमम बैलेंस कर लीजिएगा कि आप बिल्कुल, अगर आपके घर के ईस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट में तो ये सीनरी नहीं लगाएंगे। तो इन चीज़ों को पहले वास्तु की सहायता से बैलेंस करिएगा, फिर ही इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। और इसको अप्लाई करने के बाद ये जो दृश्य के चमत्कार है ना, ये आपको एकदम से विस्मित कर देंगे, आपको सरप्राइज कर देंगे कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ें जीवन में हमारे फ़र्क लेके आती हैं। अब दूसरी दिशा यानी अग्निकोण की बात करते हैं। अग्निकोण किसको बोलते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको साउथ ईस्ट दिशा भी बोला जाता है। साउथ ईस्ट दिशा जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये अग्नि की दिशा है। अग्नि हमें सॉल्यूशन देती है, साउथ ईस्ट दिशा हमें रास्ते दिखाती है। साउथ ईस्ट दिशा खराब होगी ना तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएगा। साउथ ईस्ट दिशा खराब होगी तो चलता चलता काम रुक जाएगा। साउथ ईस्ट दिशा खराब होगी, बाजार में आपके पैसे अटकने शुरू हो जाएंगे, आपके पास लिक्विड करेंसी का अभाव होना शुरू हो जाएगा, खर्चे इतने होने शुरू हो जाएंगे बेतहाशा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। कभी किसी रिश्तेदार ने मांग लिए, कभी बाजार में पैसे अटक गए, कभी बीमारियों पे लग गए, एक्सीडेंट पे लग गए, कभी किसी के पैसे जो हैं आपने किसी की गारंटी दे दी उसकी वजह से आपके पैसे अटक गए। साउथ ईस्ट दिशा की खराबियां हैं ये सारी। अगर आपको लगता है ना जीवन में पैसे से संबंधित कोई क्रंच आ रहा है तो साउथ ईस्ट में लाल दौड़ते हुए रेड हॉर्सेज, कितने, दो रेड हॉर्सेज की एक पेंटिंग अच्छी सी ला के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए। इसको लगाने का समय रहेगा करीबन सुबह 9, 10, 11 बजे के बीच में। समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस समय के बीच जो पिक्चर है साउथ ईस्ट में इंस्टॉल कर दीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे खर्चे भी कंट्रोल हो रहे हैं, आपको समस्याओं के समाधान मिलने भी शुरू हो गए हैं और आपके पैसे का फ्लो जो आपकी लाइफ में है ना, ये भी सही होना शुरू हो गया है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसे करिश्मा की कमी है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कोई आपकी बड़ी कोई हैंडसम सी पिक्चर हो ना, जिसमें आपने खूब अच्छे से तैयार व्यार होकर आपने स्टूडियो टाइप कोई फ़ोटो खिंचवाई हुई है, जो फ़ोटो आपको बड़ी अच्छी लगती है, उसको थोड़ा सा बड़ा करवा के, फ्रेम करवा के इसको साउथ ईस्ट में लगाइए। इसके बाद ये पिक्चर, ये ऊर्जा जब आपके मनस के साथ कनेक्ट करेगी ना, आप अपग्रेडेड वर्जन बन के जगत के सामने आएंगे। फोटोज़ का चमत्कार देखना है ना, तो मेरे कहे तरीके से चलिए और फिर चमत्कार देखिए कि किस तरह से वास्तु की ये जो ऊर्जा है ना, आपके जीवन में चमत्कार घटित करती है। तो चलिए अब साउथ ईस्ट की दिशा में ही आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट की दिशा को अग्नि की दिशा बोला जाता है। अब अग्नि की दिशा जो है ये और दो चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर घर की लेडीज़ बीमार रह रही है ना, या घर की लेडीज़ में आपस में किसी ना किसी तरह का कलह कलेश चल रहा है, वो देवरानी जेठानी का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, ननद भौजाई का हो सकता है, कोई भी आपस में विवाद है लेडीज़ का, तो भी साउथ ईस्ट दिशा की खराबी ही होती है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग या एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर आती है कि कोई भी शेफ़ रसोई में खाना बना रहा है, या रसोई में खाना बनाते हुए का कोई अच्छा सा आर्ट वर्क अगर मैनेज हो पाए ना, लीजिए, जिसमें स्पेशली अग्नि साथ में हो और किचन में खाना बन रहा हो, इस तरह की कोई भी अच्छा आर्ट वर्क लेके इसको साउथ ईस्ट में लगाइए और फिर देखिएगा किस तरह से ये जो लेडीज़ के आपसी संबंध हैं, या लेडीज़ की जो हेल्थ है, या घर के अंदर शांति का माहौल है, कितने अच्छे से इंस्टॉल होता है। तो चलिए अब हम दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा जो है ये आपकी गुडविल की है, आपके नाम की है। कहते हैं सफलता की पहचान आपका बैंक बैलेंस नहीं होता, सफलता की पहचान होती है कि आपके एक बार कहने से कितने लोग आपकी टेबल पर अपना पैसा ढेर कर दें, जब भी आप आवाज़ दो और ये ना पूछें कि वापस कब दोगे, ये होती है सफलता की पहचान। सफलता की पहचान होती है कि आपकी एक आवाज़ पे 10 लोग आपके पास आके खड़े हो जाएं कि बताओ क्या काम है, ये होती है सफलता। सफलता होती है जब आपका नाम ही बाजार में चले, आपके नाम पे लोग गारंटियां ले लें, ये होती है सफलता। ऐसी सफलता, ऐसी गुडविल, ऐसा नाम, ऐसी नेम एंड फेम चाहिए ना,
तो फिर दक्षिण दिशा को सही करिए। दक्षिण दिशा में कौन सी ऐसी पेंटिंग लगाएं कि आपको इस तरह का एट्रीब्यूट जीवन में अचीव हो पाए। यहाँ पे हो सकता है आप एक शंख, एक अच्छा सा जो शंख होता है, कौन सा, जैसे पांच जन्य या बजाने वाला जो शंख होता है, ऐसे शंख का एक अच्छा सा आर्टवर्क लीजिए। और शंख वाइट हो लेकिन उसकी बैकग्राउंड मैरून या कोई भी चटक लाल रंग की हो, ऐसी एक पेंटिंग बनवाइए। ऐसी कोई पेंटिंग जो है ये घर के दक्षिण दिशा में दोपहर के समय, जहाँ जब सूर्य प्रखर होता है करीबन 11 साढ़े 11 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में, तब इंस्टॉल करिए। बस इंस्टॉल कर दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी नेम एंड फेम, आपका बिहेवियर ही ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो नेम एंड फेम है वो बढ़ने की तरफ जाएगी। अब दक्षिण दिशा जो है ये खाली आपके नेम एंड फेम की नहीं है, दक्षिण दिशा जो है ये आपका मन कितना रिलैक्स रहता है, आप कितने उलझे रहते हो या कितने सुलझे हुए रहते हो, रात की नींद पूरी ले पाते हो, क्या सुबह एनर्जी से काम कर पाते हो, इन सारी चीज़ों को भी दक्षिण दिशा ही कंट्रोल करती है। पंख फैलाए हुए ईगल की या फ्लेमिंगो की फ़ोटो आप अपने घर के साउथ में लगा दीजिए, अगर आपको इस चीज़ की दिक्कत है तो, लगानी दोपहर को ही है, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में रिलैक्सेशन इंस्टॉल होती है। अभी तक की जो तीन दिशाओं की जर्नी है ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपको ये हर चीज़ चाहिए तो सारी फ़ोटोज़ लगा के घर को म्यूज़ियम मत बनाइएगा। एक समय पे एक ही इच्छा करिए, लालच मत करिए। लालच करने से क्या होगा, ये ऊर्जाएं आपस में टकराएंगी, रिजल्ट क्या होगा, आपका अपना जो सबकॉन्शियस है वही कंफ्यूज होगा। आप सब कुछ लगा के एकदम से उलझे हुए बैठ जाओगे, समझ भी नहीं आएगा करें तो क्या करें। एक समय पे एक चीज़, एक टारगेट अचीव हो जाए दूसरे की तरफ चलिए। अगर आपको सभी चीज़ें ही चाहिए ना, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। तो जो भी सबसे अंदर बलवती इच्छा है ना, उसको पकड़िए और उसके अनुसार कोई एक पेंटिंग ही लगाइए। बता मैं सभी पेंटिंग रहा हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सारी की सारी पेंटिंग लगाओ। तो चलिए अब दक्षिण दिशा से आगे साउथ वेस्ट दिशा की तरफ बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण पश्चिम कोण जिसको बोला जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई सेटल नहीं हो रहा है ना, तो इस दिशा में कोई ना कोई खराबी होती है। घर के अंदर सभी मेंबर्स की आपस में लड़ाइयाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते जा रहे हैं ना, तो भी ये दिशा ही होती है। इवन जो कपल इश्यूज होते हैं ना मियाँ बीवी के बीच में, उसमें भी यही दिशा होती है। शादी में डिले हो रहे हैं तो भी साउथ वेस्ट दिशा ही होती है। तो जीवन में अगर लगता है कि कोई सेटल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करिए, जैसे कोई रॉक, कोई बहुत बड़ी चट्टान, एक खड़ा हुआ पहाड़, ऐसे कोई अच्छा सा आर्ट वर्क या पेंटिंग है ना, वो लाइए। और उसमें ज़्यादातर अर्थ कलर जो हैं वो यूज़ हुए होने चाहिए। इसको घर के साउथ वेस्ट में लगाइए। इसको लगाने का समय रहेगा करीबन शाम का, संध्या का समय ये इंस्टॉल करिए। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके जीवन का जो घटनाक्रम है ना, ये कुछ इस तरह से चेंज होगा कि आपके जीवन में अब सेटलमेंट आनी शुरू होगी। सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, योर करियर, सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ ऑल्सो। ये साउथ वेस्ट में ये जो चट्टान की फ़ोटो है ना, ये आपको इस तरह का रिजल्ट देती है। खाली यही नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ कपल इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि पारिवारिक मेंबर जो हैं ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो दो प्रेमी जोड़ों की कोई फ़ोटो, आप लव बर्ड्स की फ़ोटो लगाइए ना, अच्छी सी लव बर्ड्स की कोई अच्छी सी आर्ट वर्क ला के उसको साउथ वेस्ट में लगाइए। और फिर उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से आपके म्यूचुअल संबंधों में या पारिवारिक संबंधों में भी मिठास आती है। साउथ वेस्ट की दिशा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, जिसमें आप जीवन में खुश, कंटेंटेड और सेटल्ड रहो। चलिए अब हम पश्चिम यानी वेस्ट दिशा की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट दिशा जो है ना, ये अपने आप में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दिशा है। कैसी डायरेक्शन है ये आपको अपने जीवन में रिजल्ट्स देती है। आप एफर्ट बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, तो वेस्ट दिशा खराब है। आप जो भी करते हैं वो आपके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए, ये वेस्ट दिशा बताती है। कोई इंसान बड़ा हुनरमंद है लेकिन अपने उस हुनर को वो पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वेस्ट दिशा ख़राब है। ये वो वाली एल्केमी देती है जो इंसान अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को धन में कन्वर्ट कर पाए। खाली यही नहीं, कोई इंसान अपनी जीवन ऊर्जा का यूज़ किस तरह से कर पा रहा है, थका थका तो नहीं रहता है कोई इंसान, ये तो नहीं है कि सुबह होते ही वो थका ही उठता है और थका ही सो जाता है।
तो ये भी घर की वेस्ट दिशा ही बताती है। तो जीवन में अगर तो इंसान आपको लगता है कि कोई बहुत थका थका रहता है, उसकी एनर्जी का लेवल लो होने की वजह से वो जीवन में प्रोडक्टिव नहीं है, तो हिरन, दो चार हिरन जो वन में चल रहे हैं, उनकी एक तस्वीर, अच्छा सा आर्टवर्क लीजिए और उसको रात के समय अपने घर के पश्चिम में लगा दीजिए। लेकिन अगर लगता है एनर्जी लेवल सही है लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा हो नहीं पा रहा है जिससे जीवन में प्रॉफिट हो, तो फिर क्या करिए, फिर ऊंट, रेगिस्तान में चलते हुए ऊंटों का एक काफिला या एक या दो ऊंट जो रेगिस्तान में चल या खड़े हो रहे हैं, उनकी एक तस्वीर जो है घर के पश्चिम में लगाइए। ये करना जो है ना, ये करियर में प्रॉफिट्स लेके आता है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर एक फील गुड नहीं है, बाहर आप खुश रहते हैं लेकिन घर पे आके वो फील गुड खत्म हो जाती है, तो फिर अच्छे से वाइट फ्लावर्स की फ़ोटो लीजिए। और ये जो वाइट फ्लावर्स की फ़ोटो है, ये इतनी कमाल होनी चाहिए कि लगे कि जीवित फूल ही लगा रखे हैं। ऐसा कोई आर्टवर्क लीजिए या वॉल आर्ट लीजिए, इसको घर के पश्चिम में लगाइए रात के समय, और फिर कमाल देखिए कि किस तरह से आपके घर में फील गुड आता है, पूरे घर में फील गुड का संचार होगा इससे। तो वेस्ट दिशा, आपका करियर, आपकी जीवन ऊर्जा, आपका फील गुड, तीनों को अपने अपने तरीके से कंट्रोल करेगी इन पेंटिंग्स के द्वारा। अब वेस्ट के बाद हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में। आपका मार्केट में कैसा नाम है, आपकी ब्रांडिंग कैसी है? आज की डेट में बैंक आपको लोन तब देते हैं जब सिबिल स्कोर सही हो, तो सिबिल को सीधे सीधे ही आपकी नॉर्थ वेस्ट कंट्रोल करती है। जिनके नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ होगी ना, वो चाहे ना चाहे उनकी सिबिल स्कोर जो है ये खराब होती ही रहेगी। नॉर्थ वेस्ट खराब होगा तो शादी लायक बच्चों की शादी टाइम पे नहीं होती। नॉर्थ वेस्ट खराब होगा, इंसान के मुंह से वाणी ऐसी गलत निकलनी शुरू हो जाती है जिसको, जो उसका मतलब होता नहीं है, लेकिन वो इंसान गलत फहमियों का शिकार होता चला जाता है। अब क्या किया जाए? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में धन से संबंधित, सिबिल स्कोर से संबंधित, आपकी जो भी बैंकिंग प्रणालियां हैं, आप जो भी लोगों को कहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, आज चेक काट दिया, चेक पास करवाने में दिक्कत आ रही है, कल किसी को पेमेंट के लिए बोला था लेकिन आज उस पेमेंट का जुगाड़ ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे अगर पेमेंट्स वगैरह की दिक्कतें आती हैं या बैंकिंग की दिक्कतें आती हैं ना, सात सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़ों की एक तस्वीर जो है ये घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, और इसको बिल्कुल सुबह सुबह लगाइए सनराइज के टाइम के आसपास। कमाल देखेगा इसके बाद कि धीरे धीरे आपकी बैंकिंग जो है ये किस तरह से सही होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चा जो है ये टैलेंटेड बड़ा है, ये बच्चा जो है पूरी तरह से क्वालिफाइड है अच्छी शादी, अच्छे जीवन साथी के लिए, नहीं हो पा रही है ना, तो एक अच्छे से शंख की फ़ोटो लीजिए जिसमें आसमानी बैकग्राउंड हो, और इस शंख की तस्वीर को घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से उसके रिश्ता होने में आ रही बाधाएँ दूर होती हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है ना, इस दिशा में अगर आपके घर का पूजा स्थान है तो वहाँ पे आप तिरुपति बालाजी की जो तस्वीर है, एक अच्छा सा स्वरूप है वो रखिए। ये जो स्वरूप है ना, आपको सीधा सीधा धन के कनेक्शन के साथ जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेमेडी, इसको ज़रूर करके देखिएगा। अब हम उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा की तरफ आते हैं। नॉर्थ दिशा जो है ना, इसको आपको जीवन में मिलने वाले मौकों की दिशा बोला गया है। मौका नहीं मिलेगा तो आपका सीखा हुआ किसी भी काम नहीं आएगा, मौका नहीं मिलेगा तो आप जीवन में खुद को प्रूव कैसे कर पाओगे? तो जीवन में अगर आपको लगता है ना सही जॉब नहीं मिल रही है, आपको सही मौके नहीं मिल रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है खुद को दिखाने के लिए, तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे किसी नदी की, रिवर की फ़ोटो लगाइए। याद रखिएगा, यहाँ पे वाटरफॉल की फ़ोटो नहीं लगानी है, क्योंकि वो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, आपने चलते हुए पानी की एक अच्छी सी तस्वीर लेके ये नॉर्थ में लगाइए। फिर देखिएगा कि जिस तरह से नदी का एक फ्लो होता है ना, उस तरह से आपके जीवन में मौकों का फ्लो बनेगा। अगर आपको ठीक इसी समय पे लगता है कि आपके जीवन में लगातार पैसे की आमद नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आपको धन कमाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है, जो कल कमा रहे थे वही आज कमा रहे हैं लेकिन जीवन में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो इसके लिए इवन अगर आपको लगता है कि कर्जा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो उस केस में घर के पूर्व में आप ग्रीनरी, गार्डन्स, जंगल्स, इस तरह की फ़ोटो लगाइए। माउंटेन्स को अवॉइड करिएगा, इस तरह की फ़ोटोज़ आपके लिए जीवन में धन आकर्षित करने के लिए बहुत काम आने वाली हैं, स्पेशली नॉर्थ में लगाई जाएं। और इनको लगाने का समय कौन सा रहेगा? इनको लगाने का समय रहेगा देर रात, यानी करीबन 10:30-11 बजे के बाद, मध्य रात्रि से पहले पहले इस समय पे इन तस्वीरों को इंस्टॉल करिएगा उत्तर दिशा में। और अगर आपको लगता है
कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान, ऐसा सलाहकार नहीं है जो धन कमाने में आपकी सहायता कर पाए। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो आपको टैलेंट को आपकी अपनी सलाह के द्वारा धन में कन्वर्ट करना सिखा दे, सही गुरुजन मिल जाएं, तो फिर नॉर्थ में आप कुबेर जी की एक तस्वीर जो है, या कुबेर महाराज का एक अच्छा सा आर्टवर्क वॉल हैंगिंग के रूप में या पेंटिंग के रूप में घर के नॉर्थ में लगाइए। याद रखिए, इनको पूजना नहीं है, इनका आर्टवर्क केवल लगाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये आपके सबकॉन्शियस से ये दृश्य कनेक्ट होके ना आपके जीवन में धन का आगमन करवाता है, कर्जों से मुक्ति दिलाता है। इनमें से कोई एक ही चीज़ करनी है, सभी चीज़ें करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो आप अपनी समस्या के अनुसार इनमें से किसी एक चीज़ का चुनाव कर लीजिएगा। अब अंत में हम आठवीं दिशा पे आते हैं, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसको उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये दिशा कंट्रोल करती है। आपके जीवन में खुशहाली कितनी रहेगी, ये दिशा कंट्रोल करती है। आपका फैसले, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, ये ईस्ट दिशा, ईशान कोण डिसाइड करता है। इवन कई लोग जो होते हैं गलत फैसलों का शिकार होने की वजह से जीवन में दुख भोगते हैं। कई लोग जो हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा की खराबी की वजह से क्या होता है कि एक अलग अलग तरह से डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। टेम्परामेंटल एरर जो होते हैं ना, जल्दी गुस्सा कर जाना, लोगों से लड़ाई कर लेना, ऐसा बहुत कुछ होता है इनके साथ। अगर आप अपने जीवन में सॉर्टेड फील नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी उलझनों का शिकार हैं, तो ईस्ट दिशा के जो ऑनर हैं, ईस्ट दिशा के जो लॉर्ड हैं, भगवान शिव, कौन से, चंद्रशेखर भगवान शिव, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है और गंगा जी भी साथ में बह रही हैं, ऐसा एक अच्छा सा आर्टवर्क या स्वरूप घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है तो वहाँ पे ये वाला स्वरूप रखिए। अगर मंदिर नहीं है ना तो भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गौतम बुद्धा की, भगवान बुद्ध की कोई एक अच्छा सा आर्टवर्क लगा सकते हैं। इवन उस आर्टवर्क में आप गूगल कर लीजिए, उनकी जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं में से कोई एक मुद्रा का भी आर्टवर्क आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके मन से कनेक्ट करके आपकी डिसीजन मेकिंग को इतना स्मार्ट करता है कि आप हर जगह में अपना अवसर ढूंढ ही लेंगे और अपना रास्ता, अपनी जगह बहुत अच्छे से बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का एक अगला एट्रीब्यूट होता है आपके जीवन में धन समृद्धि लेके आना। तो जीवन में धन समृद्धि चाहिए ना, तो यहाँ पे आप कोई वाटर बॉडी, कोई ऐसा धर्म स्थान जो पानी के साथ हो, उसकी एक तस्वीर लगाइए, जिसकी उदाहरण बहुत ज़बरदस्त है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल की एक तस्वीर जिसमें पानी के बीच में स्वर्ण मंदिर जो है उसका स्वरूप हो, इसके एक बहुत अच्छे वाला आर्टवर्क जो है ये आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दीवार पे लगाइए। इसमें आपका वाटर एलिमेंट, आपका बृहस्पति का एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो है ना एक ही तस्वीर में इकट्ठे होंगे और ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट को ऊर्जित करेगी चीज़, ये आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी चेंज्ड बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी के रूप में सामने दिखेगा। आप इवन किसी जंगल में बारिश हो रही हो, ऐसा कोई आर्टवर्क भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये भी आपके जीवन में रुके हुए कामों को गति देता है, आपको ही अपना अगला इम्प्रूव्ड वर्जन बनाता है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को ऊर्जित करने का, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने के बाद ऊर्जित करने का ये सबसे ज़बरदस्त टेक्निक, सबसे ज़बरदस्त तरीका है। दोस्तों, वास्तु जो है ना, ये इस तरह की विद्या है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक वास्तु में घर का मुख्य द्वार, घर की किचन, बेडरूम, अंदर के कलर्स, ये तो बैलेंस होते ही हैं, लेकिन आपको दिखने में दृश्य कौन सा दिख रहा है, विजुअलाइजेशन कौन सी हो रही है, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो विजुअलाइजेशन को कंट्रोल करेंगे ना, तो आपके जीवन में कई परिस्थितियां जो हैं ये आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इनको अपने जीवन में अपनी सुविधा अनुसार, अपनी समस्या अनुसार अप्लाई करिए और फिर चमत्कार देखिए कैसे कैसे एक के बाद एक अच्छी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। तो चलिए, आज की जानकारी, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।